What's up guys, welcome back to the new vlog, welcome back to the video. आप सोचते हैं मैं हमेशा इधर एक ही वीडियो चालू करता हूँ इससे, बिकॉज की इधर से लाइटनिंग अच्छी आती है एंड एकदम स्टार्टिंग करनी हो तो लाइटनिंग क्वालिटी एकदम बढ़िया हो तो मजा दिया जाती है। तो जाना दीदी अगर कोई लैपटॉप लेने के लिए, फ्राइडे को जाना था फ्राइडे को नहीं जा पाया, सैटरडे को जाना था सैटरडे को नहीं जा पाया, संडे है तो बड़ा चल पहले लैपटॉप लेके आता हूँ, उसके अंदर का सारा डेटा जो भी मैंने शूट करा था वहाँ पे तीन चार दिन, उसका सारा डेटा निकाल के पीसी में डालना है। 10 बजे का टाइम है, बाहर जो गर्मी है मेरा पूरा खड़ा गरम गरम हो गया। मैं अच्छा मादा लेता चलता हूँ, थोड़ा सा पी लेंगे, थोड़ा हाइड्रेटेड रहेंगे और जो गर्मी की भाप लगती है। सुबह 10 बजे का टाइम है अभी निकले थे और यहाँ पे कौन आया है, मास्क उतर तो पब्लिक को पता चलेगा कौन है। सैंडी संदीप आया यहाँ पे तो एक दिन के लिए आया था, पंखा उनका इधर से उधर लगवाना था घर में जैसे मैंने बताया था, तो मैंने बोला चलो संदीप आया तो थोड़ा बाहर घुमा लेते हैं, जूस लेने गए थे बाहर था। और हाँ बस अब घर बैठ गया हम लोग एकदम इतने दिन से मैं अकेला था और बख्शूदी हो नहीं रही थी, आज आया बख्शूदी करेंगे पूरी। तो संदीप वापिस क्यों जा रहा है, तू आज एक ही दिन आया फिर चला, क्या सीखा एग्जाम है यार क्या कर सकता है, लैपटॉप भी नहीं आया, लैपटॉप भी नहीं आया तो इसका जरा कुछ काम था, कुछ दोस्त का काम था तो उसके साथ आया था, उसके दोस्त का काम हो गया तो अभी निकल रहा है साथ में। मैं बोला चलो ठीक है फिर मिलते हैं, अपना घर का ब्रोकर वोकर का देखना था। हाँ तो थोड़ा सा घर के पैसे से उधर से डिपॉजिट लेके उधर देना था, बस वाला सब सीन था, पैसे का लेन देन था थोड़ा बहुत, और स्कूल वाले भी दिमाग खा रहे थे। हाँ स्कूल वाले भी अलग ही दिमाग खा रहे थे। तो ये अलग, और मैं तुमको बता रहा था कि लैपटॉप से पीसी में गए थे तो संदीप को मैंने बोल दिया था कि एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लेके आए, तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लेके आए एंड अभी इजली ट्रांसफर हो रही है दूसरे लिए कंप्यूटर के अंदर, दीदी को लैपटॉप दे दूंगा कल या परसों जैसा वो बोले। हाँ तो भाई यहाँ आने वाला है तूफान ऐसा जैसे बताया गया है 17 और 18 को बहुत, और मेरे को मेरे दोस्त गोकुल ने एक वीडियो भेजी वो चला दूंगा मैं साइड में। हाँ तो ये देख क्या है ऐसा तूफान आ रहा है, बड़ौदा में भी पूरा बारिश वाला जैसा माहौल हो गया और हवा तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही चल रही है। जाके सो के उठाऊँ की बाहर से जब आया तो मैं डायरेक्ट सो गया था, उसके बाद अब जाके उठाऊँ तो अब मैं देखा कि भाई बहुत जगह बहुत दूर दूर से तूफान आ गया है, बहुत मिट्टी विट्टी उड़ी गई है। मेरे को गोकुल ने जैसे बताया ही, गोकुल ने वीडियो भेजी मेरे को, मैंने भी बोला कि आधा एक घंटे के लिए यहाँ पे भी लाइट गई हुई थी। मैं ठीक है फिर ध्यान रखिए, तो 17-18 को भी कह रहे कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसके लिए क्लाइमेट में इतना चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, वो फॉर द बेस्ट घर पे रहें सेफ रहें। मैं जस्ट उठा, मैंने बोला भाई आज स्ट्रीम क्यों नहीं करी, आज स्ट्रीम करने बैठ रहा हूँ तो अभी मैं जस्ट स्ट्रीम करने बैठ रहा हूँ, 9 बज गए एंड जस्ट सेटअप वेटअप कर रहा था, रिंग लाइट इंग्लैंड मैंने सब सेटअप वेटअप करके लाइट चालू करी, मैं पहले ब्लॉग एंड कर देता हूँ उसके बाद चालू करता हूँ। मैं संदीप को पूछा कब का आएगा, तो कहते मैं नेक्स्ट वीक शायद तक आऊँगा, तो मे बी नेक्स्ट वीक जब मैं घर जाऊँगा तो शायद तक फिर उसके साथ ही वापस आ जाऊँ। पर दिक्कत ये है कि भाई बाइक में थकावट बहुत होती है और फिर डायरेक्ट आके सोने का मन करता है, आई डोंट वॉन्ट कि मेरे को फिर आगे स्ट्रीम भी करनी होती, इसके लिए थका हुआ और स्ट्रीम भी नहीं होगी। तो खैर वो तो बाद में देखा ही जाएगा, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। मैं अभी स्ट्रीम में बैठा हूं, सपनों को मेरे लगा पंख उड़ान भरूं।